हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आइए जानते हैं बिहार के कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि आपके लिए है सबसे जरूरी। चलिए जान लेते हैं, विगत 24 घंटे में कुल 10,018 सैंपल की हुई जांच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में कुछ नए फैसले लिए गए हैं। जी, आपको बता दें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार को लॉकडाउन किया जाएगा। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका किसी ज़रूरी ऐसा काम है जो कि नहीं हो सकता है लॉकडाउन के बाद, उसको आप निपटा लें। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,690 है। वहीं आपको बता दें, बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी जो प्रतिशत है वो काफ़ी बेहतर है, यानी 69.06 है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, CBSE रिजल्ट 2020 12वीं के नतीजे घोषित। 88.78% स्टूडेंट पास हो चुके हैं। सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जी हाँ, CBSE का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। 12वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसका आप जो है रिजल्ट www.cbse.nic.in के साथ IVR टेलीफोन नंबर से भी नतीजे आप चेक कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट www.cbse.nic पर भी रिजल्ट अपना देख सकते हैं। आपको बता दें, इसके अलावा स्कूलों को उनके स्टूडेंट्स के रजिस्टर किए गए ईमेल आईडी पर भी नतीजे भेज दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अनुपम कुमार ने कहा है 14.25 लाख राशन कार्ड का वितरण हो चुका है। जी हाँ, पटना के विभिन्न जिलों में 14.25 लाख नए राशन कार्ड का वितरण कर दिया गया है। यह कुल नए बने 23.38 लाख राशन कार्ड का 59% है। शेष राशन कार्ड का वितरण भी करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने सोमवार को बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति को लेकर एक तरफ सभी आवश्यक बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर राहत के लिए भी सरकार जो है सभी पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा मानव दिवस का सृजन किया जा रहा है। अब तक 5.41 लाख योजनाओं के अंतर्गत 10,57,00,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है। इस मौके पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि राज्यभर में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों से 28,610 लोगों से अब तक 14.30 लाख रुपए से भी अधिक जुर्माना वसूला गया है। तो ऐसे में भैया, अगर आप निकल रहे हो बिना मास्क के मार्केट या कहीं भी मॉल शॉपिंग वगैरह दुकानें, वैसे तो 16 तारीख से बंद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन बहुत ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर मास्क लेकर चलना है। साथ में आपको बता दें, वहीं 1 जुलाई से लेकर अब तक 7,892 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 2,13,00,000 की वसूली की गई है। ये वसूली उन लोगों से की गई जैसे हेलमेट वगैरह नहीं है आपके पास, चालान नहीं है आपके पास, POC नहीं है आपके पास, जो है इंश्योरेंस नहीं है। तो ऐसे में भैया, आपको निकलना है कहीं अगर ज़रूरी, तो आपको सारे कागजात अपने गाड़ी में रखना है, उसके बाद ही आपको निकलना है, वरना आपको चालान देना पड़ जाएगा। आपको बता दें, अनलॉक 2 के प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। आगे आपको बता दें, डाकघर के खाताधारकों को लोन की सुविधा मिलेगी। अच्छी खबर आपके लिए आई है। आपको बता दें, डाकघरों में स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त बैंक की सुविधा अगले साल से शुरू होगी। डाक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। लघु वित्त बैंक में ग्राहकों को छोटे छोटे लोन की सुविधा मिलेगी। डाकघर वेंडर और छोटे दुकानदार को लोन देगा। ग्राहकों को 25,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक के लोन आसानी से मिल सकेंगे। दरअसल बैंक से लोन लेने के लिए ग्राहकों को कई कागजात जुटाने पड़ते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप जब लोन लोगे तभी आपको मालूम चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं है या बिहार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर करप्शन न हो और जहां पर आपसे पैसे न लिए जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई और कहानी वाली बातें लगती हैं। मगर डाकघर में लोन के लिए ग्राहकों को ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं होगी। ग्राहकों के पेमेंट कैपेसिटी, लोन इतिहास, बैंकिंग व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार और वित्तीय ट्रैक के आधार पर लोन दिए जाएंगे। डाकघर लोन के लिए ग्राहकों को आयकर रिटर्न जमा नहीं करना होगा, ये एक अच्छी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में भुगतान बैंकों के लाइसेंस को मंजूरी देने के अलावा वित्तीय समावेश एजेंडा के आगे बढ़ाने के लिए छोटे वित्तीय बैंकों की स्थापना के लिए 10 संस्थाओं को लाइसेंस दिया है। वहीं आपको बता दें, बैंक की सिफारिश की थी नचिकेत मोर समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान बैंक की सिफारिश की थी। वर्ष 2015 में डाक विभाग को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी मिला। 11,000 डाकघरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक विभाग ने डाकघर बचत बैंक के माध्यम से पूरे राज्य में वित्तीय सेवाएं प्रदान की। डाक विभाग ने भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। अगस्त 2015 में इसे मंजूरी भी दे दी गई। इस प्रकार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भारतीय डाक विभाग ने जनवरी 2017 में रांची, झारखंड और रायपुर, छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। इसके बाद सितंबर 2018 से सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा भी मिल गई। वहीं आपको बता दें, यहां पर मार्च में जुलाई तक 27 लाख खाते खुल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच मार्च से जुलाई तक बिहार में 27 लाख नए खाते खोले गए। इसके अतिरिक्त आधार आधारित जो भुगतान है सेवाओं के माध्यम से बैंक के खाताधारों को भी करोड़ों रुपए की आकस्मिक नकद उनके द्वारा उपलब्ध कराई
कराए गए। इनमें से अधिकतर राशि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से आकस्मिक योजनाओं की है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो किसी बाहर दूसरे में फंसे हुए थे, कामगार थे और उनका कामकाज जो बंद हो गया, ऐसे में बिहार आ चुके हैं, तो अपना जो है खाता वो यहाँ पर IPPB में यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वो खुलवाए, ताकि उनका जो है जो भी सरकारी सब्सिडी है यहाँ पर उनको मिल सके। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें जी हाँ, शिक्षक ने मिड डे मील का अनाज बांटने से हाथ खड़े कर दिया। जी हाँ, ये मिड डे मील क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ये मिड डे मील का राशन वही राशन है जो कि पहले से आठवें क्लास तक के बच्चे को मिलता है। यहाँ पर जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे आपके पढ़ते हैं उनका जो राशि होता है, खाने का जो राशि होता है, उनके खाते में भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब बात चल रहा था कि उनके खाते में जो है राशि भेजने के साथ साथ यहाँ पर उनको राशन भी दिया जाए, ताकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो मार्च से ही जो है स्कूल बंद कर दिया गया है। तो क्या है खबर जानिए पूरा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के कार्य के दौरान सहमने लगे हैं। जी हाँ, डरने लगे हैं। प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और विश्वविद्यालय महाविद्यालय के प्रमुख शिक्षक संगठनों ने सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजा है। कहा है शिक्षा विभाग से गुहार लगाई है कि COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिक्षकों को राहत दी जाए। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 14 मार्च से ही बंद है, लेकिन शिक्षकों को अपने अपने कार्यस्थल पर रोजाना जाने का आदेश दे दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में जहां ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों की पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों की कक्षा DD बिहार पर रोजाना लग रही है। इन दोनों सरकारी स्कूलों के शिक्षक विभाग द्वारा घोषित नामांकन पखवाड़ा के तहत नामांकित बच्चों को घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे बच्चों की तलाश में हर टोले मोहल्ले जाना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। शिक्षक इस काम को लेकर डर रहे हैं, लेकिन डर के साथ ये जाने कब किस संक्रमित व्यक्ति से वो चपेट में आ जाएं, किनके साथ वो मिल लें और ऐसे में भैया जो शिक्षक है उनको पकड़ ले कोरोना। तो ये कोरोना से संक्रमण से जो है काफी ज्यादा वो डरे हुए सहमे हुए हैं, जिसको लेकर वो अनाज बांटने से भी हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटे राशन। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 71,000 प्रारंभिक स्कूलों को हाल फिलहाल बच्चों को 3 माह का अनाज देने का निर्देश दिया है। अनाज वितरण के लिए स्कूलों में अभिभावकों को भी भीड़ जुटेगी। ऐसे में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को पत्र भेजकर अपील की है कि शिक्षकों को अनाज वितरण के काम में न लगाया जाए, क्योंकि भैया उन्हें कोरोना से डर है और ऐसे में जो बच्चे के अभिभावक हैं, जो पिता हैं, वो अगर पहुंचेंगे अनाज लेने तो हो सकता है वो कोरोना संक्रमित हो और इन शिक्षक को भी कोरोना हो जाए। भैया ये आप अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें तो अनाज की जरूरत है, उन्हें कोरोना से कहां डर लगता है, वो भूखे मर जाएंगे अगर आप अनाज वहां न पहुंचाए उनको न दे जरूरतमंदों को। तो यहां अनाज बच्चों के अभिभावकों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटा जाए, ये अपनी गुहार लगा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें यौन शोषण में आरोपी दरोगा पर कार्रवाई नहीं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो कानून की व्यवस्था है वो कितना सही है कितना नहीं सही है, ये आप अच्छी तरह से अवगत होंगे। आपको बता दें महिला अधिकारी ने यौन शोषण और जाति सूचक शब्द कहकर शादी से इनकार करने वाले दरोगा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बीते 24 जून को ही महिला थाने में रेप अनुसूचित जाति कहकर अपमानित करने और धोखा देने संबंधी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सबसे ताजुब की बात यह है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 5 दिन बाद कंकड़बाग में तैनात दरोगा ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, जबकि महिला अधिकारी ने दरोगा के खिलाफ सारे सबूत थाने को दे दिया था। इसके बावजूद बाद अब तक आरोपित दरोगा की गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकला। आपको बता दें यहाँ पर गया में तैनात महिला अधिकारी ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान 16 साल से दरोगा के साथ प्रेम संबंध में थी, पढ़ाई कर दोनों की नौकरी लग गई। इन मौके पर अनुसूचित जाति कहकर लड़की से शादी नहीं कर सकता कहकर शादी से मुकर गया। ये तो भैया बहुत गलत हुई बात, जब आपको इस मोहब्बत और प्रेम करना था तो ऐसे में आपने कर लिया, लेकिन जब आप शादी की बात आई तो आपने जाति आधार पर जो है ये कदम उठा लिया कि अपनी शादी नहीं करूंगा, ये बहुत गलत बात है। जबकि उसके रिश्ते बारे में दरोगा के सभी रिश्तेदार जानते हैं, नौकरी के बाद वह शादी का झांसा देता रहा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें बारिश बाढ़ के बीच 8.10 करोड़ मानव दिवस सृजित। यहाँ राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ के खतरे के बावजूद मनरेगा कार्य जारी है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। 8,08,10,53,000 मानव दिवस का सृजन कर रोजगार दिया गया है। इसमें भैया आपको रोजगार मिला है या नहीं मिला है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन देंगे अब योजनाओं की जानकारी, अच्छी खबर है। राज्य के कम्युनिटी किसान रेडियो अब आम लोगों को सरकारी योजना की भी जानकारी देंगे। वहीं कोरोना के प्रभाव कम होने के बाद भी लोगों का क्या करना चाहिए उसके प्रति भी जागरूक करेंगे, साथ ही कोरोना संक्रमित से समाज को कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो कोरोना का प्रकोप है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे भैया किसी को अगर पता कर लिया, अगर चल जाए कि ये पकड़ लिया इसको कोरोना, तो काफी लोग उससे घृणा भी करने लगते हैं, उसके सामने से भी जाने से भी कराने लगते हैं। ऐसे में भैया उसका कैसे हो पाएगा इलाज, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। दरअसल कोरोना से बचाव में कम्युनिटी रेडियो की बेहतर भूमिका देखते हुए केंद्र सरकार ने दूसरी योजनाओं का भी प्रचार इन रेडियो स्टेशनों के से करने की सलाह राज्य सरकार को दी है। इसके लिए केंद्रीय सूचना मंत्रालय के सचिव अमित खेर ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को एक पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को सलाह दी है कि पोषण अभियान, स्वच्छता भारत और मतदाता जागरूक कार्यक्रम की जानकारी रेडियो स्टेशनों के सरकार आम लोग तक पहुंचा सकती है। ये रेडियो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं
हैं ये अपने स्टेशन के 15 किलोमीटर दूर की दूरी में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। पर इसकी खासियत यह है कि इंटरनेट के भी यह आसानी से साधारण मोबाइल में भी चल जाता है, लिहाजा इनकी पहुंच गाँव से भी अधिक होती है। बिहार में ऐसे 7 रेडियो स्टेशन भी है। चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें जहाँ हैंड सैनिटाइजर में भैया जीएसटी कटने की संभावना नहीं है। यदि आप लगा चुके हैं आज कि यहाँ पर जो हैंड सैनिटाइजर है उसमें जीएसटी की जो है दर है घट जाए, तो ऐसे में भैया आपको हो जाना है निराश यहाँ पर, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर पर 18% की बजाय 12% जीएसटी लगाने की व्यापारियों की मांग पर राहत मिलने में जो आसार है फिलहाल कम लग रहा है। हिंदुस्तान के सूत्रों की जारी माने हैं तो यहाँ पर जानकारी के मुताबिक विभाग की तरफ से इस बारे में जल्द ही एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तमाम सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर अलग अलग फॉर्म में लगातार वित्तीय मंत्री से इस पर 18% की बजाय 12% जीएसटी लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, कारोबारियों की दलील है कि इस उत्पाद पर इतनी जीएसटी लगाया जाना चाहिए। इसके पीछे वजह बताते हुए वे कहते हैं कि क्योंकि इसका इस्तेमाल मेडिकल कार्यों में होता है, इसलिए इस पर 12% जीएसटी ही लगाई जाना चाहिए। गौरतलब है कि जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक द्वारा जीएसटी के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नरों ने लिखी इस चिट्ठी में जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से इनपुट दिया गया था। कुछ कंपनियां 18 के बजाय 12% जीएसटी के साथ बेच रही थी। जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने यह भी बताया कि चिकित्सीय इस्तेमाल की चीजें 12% के दायरे में ही आती है। चलिए बात करते हैं यहां पर हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहां पर आपको बता दें ठीक हुए लोग 3 माह में फिर से हो सकते हैं संक्रमित। भैया ऐसे में आपको हो जाना है सचेत, क्योंकि अगर आपको कोरोना धर लिया उसके बाद आप ठीक हुई हो गए तो यहां पर दोबारा से भी आपको अब कोरोना पकड़ सकता है। आपको बता दें कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों पर खतरा पूरी तरह टला नहीं है। किंग कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि स्वस्थ हो चुके लोग सिर्फ 3 महीनों से ही वायरस के प्रति बनी इम्यूनिटी खो रहे हैं। ऐसे में इसका मतलब है कि 3 माह के बाद ऐसे लोग फिर से संक्रमित के चपेट में आ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें यहां पर हवा में भी 1 घंटे तक रह सकता है वायरस। नई दिल्ली अब तक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस हवा में महज कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन ब्रिटेन की एक शीर्ष महारोगी विशेषज्ञ का कहना है कि वायरस 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में अब रह सकता है। चलिए भैया बात करते हैं यहां पर हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहां पर हम आपको बता दें यहां पर आपके लिए जो खबर आया है वो आपको भलीभांति पता होगा कि राज्य की 7 नदियां जो हैं लाल निशान के पार हो गई हैं। जी हाँ, ये एक बुरी खबर है क्योंकि भैया नदी की जो सीमाएं पार हो गई तो वैसे भैया बाढ़ आ जाएगा, जैसे पिछले साल पटना में आया था। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति होती है जो कि आपको देख रहे पार होगी, क्योंकि सरकार की स्थिति भी डगमगाई हुई है। ऐसे में भैया बाढ़ आ जाए और कोरोना का प्रकोप हो तो ये बाढ़ हो जाता है दिक्कत। तो आपको बता दें नेपाल में हुई वर्षा से बिहार की नदियां उफाने लगी हैं, बड़ी नदियां में लाल निशान के ऊपर पहुंच गई हैं, छोटी नदियों ने भी आके लाल कर लिए। भैया अब तो मैं जो बक्सू का नहीं कोसी का डिस्चार्ज भी थोड़ा घटा है, लेकिन गंडक का चार्ज बढ़ गया। इसके अलावा 7 बड़ी नदियां लाल निशान के ऊपर बहने लगी है। बागमती में हैंड रेगुलेटर को उपचारने के लिए बना स्थायी कॉपर बांध शिवहर के प्रवासी प्रखंड में टूट गया। जिलों में अधिकारियों की छुट्टियों रद्द कर दी गई, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट भी कर दिया गया। चलिए भैया बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहां पर हम आपको बता दें कि जो सीबीएसई का रिजल्ट है उनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की 12वीं रिजल्ट में पटना जोन में बेटियां भी फिर अव्वल रही। जी हां, यह बहुत अच्छी खबर है। और जोन में 80.58% छात्राएं पास हुई हैं, जबकि बात करें यहां झारखंड की तो झारखंड में बेहतर रहा है। यहां पर पटना जोन की बात करें तो बिहार से बेहतर झारखंड का रिजल्ट हुआ है। बिहार में जहां 68.06%, वहीं झारखंड में 87% तक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। भैया जाते जाते एक और अपडेट आपको बता दें, यहां पर सीएम की वर्चुअल रैली के लिए जदयू की बैठक 16 को, 7 अगस्त को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली तथा 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले जदयू की वर्चुअल सम्मेलन की तैयारियों पर पार्टी 16 जुलाई को विस्तृत चर्चा करेगी। यह चर्चा जदयू के क्षेत्रीय प्रभारी विधानसभा प्रभारी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के संयुक्त बैठक में होगी। बैठक जदयू के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिंह के नेतृत्व में होगी। आपको बता दें कोरोना का प्रकोप है, लेकिन वर्चुअल रैली यहां पर रुकने वाला नहीं। भैया कोरोना आप जान रहे हैं, यहां पर जो है बीजेपी के अभी 75 जो है वहां पर 75 लोगों को भी ज्यादा जो है 100 में टेस्ट हुआ, 75 जो है वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ऐसे में वर्चुअल रैली अभी नहीं सकते, अभी भी लोग ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बताते हैं कि जदयू सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को बताया कि संयुक्त बैठक 3 पोलियों में होगी। पहली की बैठक जो होगी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चलेगी। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिला के जदयू पदाधिकारी भाग लेंगे। दूसरी पूर्वाहन जो 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, इसमें सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नगरसिया के पदाधिकारी तथा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी भाग लेंगे। तीसरी पाली की बैठक दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसमें गया, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा एवं नवादा जिला के पार्टी पदाधिकारी भी भाग लेंगे। तो कैसा लगा आज का अपडेट जरूर हमें कमेंट बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।